अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्मिन फहुम ला यरजिऊन, कि हमने उनके मुंह पर और दिलों पर मोहर लगा दी है, वो कभी रजू नहीं करेंगे। इस तरीके से जो है, जो लोग रजू नहीं करते वो जानते ही नहीं है, उनकी समझ ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुकम्मल तौर पर जो है मोहरें लगा दी है, ताकि वो मुकम्मल तौर पर जान ना सकें। तो आज भी हॉस्पिटल तो में जो है पंजाब पर वही है कि लोग शऊर आ चुका है, तो लोग जो है अपने हकूक को फराइज को समझना शुरू कर दिए। लोगों ने वो डॉक्टर के हकूक या भाइयों के हकूक भी समझते हैं और अपने जो है उनके प्राइज भी समझते हैं, जिसकी वजह से ये हकूक और प्राइज की जंग जो है वो जारी रहती है। जब तक मरीज की तसल्ली ना हो जाए उस वक्त तक जो है ये मसले जो है वो जारी रहेंगे। इसलिए कोशिश की जाए इसका फामो तहनीम से जो है वो हल किया जाए। हम जो है वो मरीज की इज्जत और एहतराम करें, मरीज के लवाकिन हमारी इज्जत और एहतराम करेंगे तो एक हाथ से ले और एक हाथ से दे मेरे तो ख्याल में ही होता है हमेशा। अगर हम जो है वो मरीज की तसल्ली के लिए जो है वो उसके ऊपर रहें, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो बाकी जो है अगर मरीज का मुकम्मल तौर पर जब हम ख्याल करते हैं तो उसमें जो है उसके लवाकिन जो है वो खुश होते हैं और हमें जो है वो दुआएं देते हैं। एक मालिक को चाहिए कि अपने काम को मुकम्मल तौर पर समझते हुए उसमें जो है वो अपने इल्मी और अमली मुजाहरा करते हुए तमाम किस्म के जो है वो शहादात को मद्देनजर रखते हुए मरीज की जिंदगी इंतहाई कीमती जिंदगी होती है, तो उसको हमेशा बचाने की कोशिश। लगर्जी और जो थोड़ा सा जो है ये ऐसा बोल पर जो है मरीज के लिए भी खतरनाक होता है और उसके वकील के लिए भी खतरनाक होता है। इसलिए मेरी अपने भाइयों से भी दरख्वास्त है कि वो भी अफाम और तफी नाम लेके जो है वो अपने अमले काम को जो है मुकम्मल तौर पर सर अंजाम दें और मरीज को जो है के बाद जो है जब तक मरीज स्टेबल ना हो जाए उस वक्त तक मरीज का ख्याल रखें। आज हमारा टॉपिक जो है मेंटल असेसमेंट है, तो उसको हम जो है वो ये लास्ट मेंटल असेसमेंट। तो अगर सब रखें हम हुमात के बारे में एक लगारी कर लेंगे, तो ये आखिरी लेक्चर है मेंटल असेसमेंट, यानी कि जहरी जायजा। इसमें फंक्शन का जो है वो दिमाग का जो कंजक्टिव फंक्शन है उसको जो है वो जानना बहुत है एक कॉलेज के लिए, जिसमें जो है बेसिकली तौर पर उसका और उसकी थिंकिंग के जो है वो मुकम्मल तौर पे एक चीज रख मरीज का जरूरी होता है। इसमें जो है वो कम अज कम से मिनिमम करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो इसको MMSE भी कहते हैं। तो इससे हमें जो है उसकी मेंटल स्टेट जो है वो काफी हद तक पता चल जाता है एक्टिव में है। इसके बाद जो है हम उसकी इनसाइट को देखते हैं, उसके अंदर जाकर उसको जो है वो उसकी असल वजूहात को उसको परखते हैं, उसको जो है असल जो आशिक मिजाज लोग होते हैं, बाद लोग जो है वो खिलाड़ी होते हैं, बाद लोग जो है वो फौजी होते हैं, हर जो है पेशे से तल्लक रखने वाले एजुकेशनिस्ट और बहुत बड़े जज और वकील और इस तरीके से हर पेशे से तल्लक रखने वाले
आपके पास जो है मेंटल कंडीशन के तौर पर जो है वो आ जाते हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मतलब पीएचडी लेवल से भी पोस्ट डॉक तक, लेकिन पढ़ पढ़ के भी उनका जो है वो दिमाग जो है वो मुकम्मल तौर काम करना छोड़ चुका। भूलना उनके अंदर जो उनकी आदत बन चुकी होती है। तो सबसे पहले जो हम जो करते हैं याददाश्त क्या, उसमें जो है वो उसकी जो है पीछे जो भी है का रास्ता का जो है वहां ये नहीं है, तो ये याददाश्त मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है और इस वक्त जो है अमली और अमली इल्मी तौर पर उसकी याददाश्त जो है वो कैसी है, इसको हम परखने के लिए उसकी जो है वो वाकफियत वक्त जगह शख्सियत के बारे में जो है वो जानेंगे। इसमें जो है उसका तवज्जा और ध्यान जो है वो हालात को हम जो है वो मजदूरी तौर पे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसको जो है उसमें जो भी हालात है उसके रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये भी उसकी जो है वो जानेंगे कि उसको जो है कितना इलम है मौजूदा जमाने के बारे में, माजी के बारे में और फ्यूचर के बारे में उसकी क्या प्लानिंग है। तो इस तरीके से हम उससे पूछेंगे कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, पिछला हफ्ता कौन सा था, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। हम पिछले तरफ जो है इसी तरीके से 7 दिनों के उसकी एक्टिविटी को नोट करेंगे या जो है उसकी पिछली एक्टिविटी को जानेंगे और उसके बाद फ्यूचर के प्लान के बारे में उसको जो है वो जान के हम उसके मुतालिक जाती हुई टेस्ट करेंगे कि फ्यूचर जो है सबसे पहले जो है मौजूदा हालात और उसके बाद माजी के बारे में और आखिर में जो है उसके फ्यूचर के बारे में जानते हुए उसको हम एडवाइस करेंगे कि क्या करना है नेक्स्ट टाइम जो है। इसके बाद जो है हम उसकी याददाश्त का इम्तहान करेंगे। याददाश्त का इम्तहान कैसे करेंगे, हम उसकी जो है ये कहेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है नहीं है हॉस्पिटल में, अगर हो चुकी है तो कितना नंबर है उसका, आपका नाम क्या है, आपका जो है पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी ग्रेजुएशन आपकी तालीम क्या है। इस तरीके से हमें जो है उसकी जायदाद से थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कितना जो है वो अपने मतलब जो है वो जानता है या कि नहीं जानता। इस तरीके से छोटी या कम से कम देनी मालूमात को हम जो है सबसे पहले हासिल करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देनी मालूमात का जो है वो इम्तहान लेंगे। इस तरीके से जो है जब छोटे दिमाग का हम इम्तहान लेते हैं या कि कम से कम जो है वो मिनिमम मेंटल स्टेट का हम इम्तहान लेते हैं तो उसके मतलब जो हमें आम मालूमात के मतलब जो हमें वो बताता है, हम उससे जनरल नॉलेज के सवाल पूछ लेते हैं कि जो है वो पहला कलमा सुनाए या कि जो है वो अल्लाह कितने हैं या हम किसकी इबादत करते हैं। इस तरह के सवाल जो है हमें उसकी मिनिमम मेंटल स्टेट के बारे में हमें जो है वो पता देंगे। उसके बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल स्टेट के बारे में हमें उसका जो है वो जायजा लेने के लिए हम उसको कोई कहावत जो है उससे पूछ लेंगे या इस तरह के जो है कोई ऐसे एडवर्ब जो है या प्रवर्ब के बारे में उसको जान लेंगे और उसके बाद जो है उसको कहेंगे कि इसके बारे में जो है कुछ बताएं, इसका जो है वो फिनोमिना क्या होता है, कैसे जो होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह का जो है वो हम जब सवाल करेंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो आप कोई भी वर्ब जो है मुहावरा इस्तेमाल करके जो है उससे पूछे इसका मतलब क्या है, तो उससे हमें उसकी ज़हनी काफ़ी है तो उसकी ज़हनी हालात के बारे में जो है वो हमें कुछ हद तक जो है वो इलम हो जाएगा। तो उसका जो है वो ज़हनी मुजाहरा जो है वो करेगा तो जिसकी वजह से हम जो है उसकी मेंटल स्टेट को जान सकेंगे, उसकी इंसाइट को जान सकेंगे कि उसके अंदर वाकई जो है ये बीमारी है या नहीं है और उसके बाद जो है क्या कि वो जानबूझ के ऐसी बीमारी का शिकार हुआ है या कि वाकई जो है इसी बीमारी का शिकार हुआ है। मरीज अपने जो है इजहार या मुजाहरा से फिनोमिना से वाकिफ होता है, जब वो उसको करता है तो हम उसको वो जांच लेते हैं कि ये जो है मुजाहरा जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये मुजाहरा जो है ये बिल्कुल ठीक है या गलत है और उसके अमली और ख्याल नाती जो है वो तसव्वुरात कैसे हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो कैसी है, वो पुरजोश है कि सुस्त है या कि बुजदल है या डरपोक है,
ये सारा कुछ जो है ऐसे फिनोमिना से हमें जो है वो जब वो किसी भी चीज का मुजाहरा करता है, करके दिखाता है, अमली तौर पर या इलमी तौर पर हम उसको जो है वो जान लेते हैं कि वो अब नॉर्मल है, उसके ख्याल जो है नॉर्मल है या कि अब नॉर्मल है। तो अगर वो मुजाहरा गलत करता है या उसके बाद जो है नॉर्मल ख्याल का जो मालिक होता है, तो उसमें जो है वो रूहानी तौर पर जो है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है जोश और जज्बा जाहिर करेगा, जिसमें जो है फौजगी के ऊपर जो है जोश जज्बा जाहिर करेगा। अगर वो मतलब जो है वो अपनी पढ़ाई के मुतालिक बता रहा है तो उस वक्त उस तरह का जो है इजहार करेगा, तो उसके मेंटल कंडीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती, जिसमें जो है वो आम काम में जो है वो सारे अंजाम देने से भी कतराता है। लेकिन दिल में उसके जो है वो नहीं होता, ना ही दिमाग में होता है कि वो इसका जो है वो इजहार कर रहा है, लेकिन उसके अफाल से उसके अमले काम से हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी जो है मेंटल कंडीशन का जो है वो अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर जो है वो ज़हनी वाक़ियात जो है वो कैसा है और किस किस्म का जो है इसके अंदर जो है ये तरीका जो है वो अपनाया हुआ है। अक्सर जो है ये बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि मुझ पर जादू हो चुका है और मुझ पर जो है ये किसी दुश्मन की चाल है, या कि मैं मरीज नहीं हूँ आप मरीज है, मतलब कि मालिज को वो मरीज समझता है, खुद जो है वो कहता है कि मैं मरीज नहीं हूँ बल्कि जो है ये मेरा मुखालफ फ्रीक जो है यानी कि मालिक जो है वो फ्रीक है, वो मरीज है, वो मुझे जो है जानबूझ के जो है दुनिया के चक्कर में लाना चाहता है, मैं मेंटल नहीं हूँ बल्कि जो है मेरा मालिक जो है मेंटल है। ऐसी कंडीशन में जो है मालिक को बहुत ज़्यादा सब्र तहमल की ज़रूरत होती है, बनस्बत के साहबदार है वो तो मरीज है, हम तो जो है उसके मालिक जो है उसकी बात को समझ रहे हैं कि वो किस हद तक जो है किस हद तक बीमार है, जिसकी वजह से हम उसको जो है मेंटल असेसमेंट करने के बाद उसके इलाज की ज़रूरत को मद्दनज़र रखते हुए हम उसके जो है वो केस के जो है वो फार्मूलेशन करते हैं कि हम जो है ऐसा फार्मूला बनाते हैं जिससे जो है मरीज को जो है मुकम्मल तौर पर जो है हम कैसे जो है वो मुश्किल से निकाल सकते हैं, और जो है हम उतने किस्म को तशखीस करते हुए उसके जवाब को लिखते हुए उसकी बुनियादी वजूहत को लिखते हुए उसकी बीमारी की तशखीस करते हुए उसके इलाज का प्लान जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जब हम अद्वियात देते हैं तो अमली तौर पे हम उसको जो है प्रोग्रेस देखने के लिए उसको दोबारा बुलाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको नरमी से देख के जो है उसका अंदाजा कर लेते हैं कि अब जो हमें फीडबैक जो है वो किस तरह से जो है वो मिला है। तो इस तरीके से हमें फीडबैक पॉजिटिव मिलता है तो हम अद्वियात को जारी रखते हैं, अगर फीडबैक नेगेटिव मिलता है तो हम अद्वियात को चेंज कर लेते हैं, उसका माहौल चेंज करते हैं, उसका माशरती स्टेटस चेंज करते हैं, उसको जो है किसी उसके आदात को चेंज करने के लिए, उसका लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है नई जिंदगी देने के लिए जो हम तगोदो करते हैं कि हम उसको जो है पुराने जमाने की जितनी भी उसकी तलखियाँ हैं उसको निकाल कर उसकी मुश्किल को दूर करके हम उसको नए आने वाले दौर की जो है यानी कि माजी से और हाल से उसको निकाल के उसका हाल बेहतर करके उसका फ्यूचर जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम जो हमारा ये काम है, एक मॉलेज का काम है, तो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात देख कर जो है वो उसको ज़हनी तौर पर तसली देख के तशफ़ी दे के और उसको प्यार से मोहब्बत से और उसको कहते हैं कि ठीक है जी आप बीमार नहीं है, हम हमारी गलती है कि हम आपको बीमार समझ रहे हैं, इस तरीका से हम उसको तसली देंगे और तशफ़ी देंगे तो वो मरीज आपसे तावन करेगा, तो इस तरह से जो है आपकी कामयाबी और कामयाबी भी जो है वो आपका साथ देगा और आपसे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है इलाज करवाएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा जो है वो हमारा मुस्तकबिल का एजेंडा ये है कि हम जो है वो अक्सर वर्कशॉपों पर इनकार करेंगे, क्वेश्चन आंसर का जो है वो है, और उसके बाद सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का बहुत शुक्रिया और मेरे दोस्तों का और मेरे भाइयों का। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जब भी जो है ऐसे मामला हो तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसे मामला मरीज के साथ झगड़ा हो या कोई इस तरह की लड़ाई वगैरह हो तो हम मरीज के जो है वो तसल्ली दे के उसको जो है वो ऐसे मामला को जो है वो दूर करने की कोशिश करें, बनस्बत के हम उससे लड़े झगड़े हमें जो है वो एक क्वालिफाइड पर्सन को एक मालिज को जो है लड़ाई झगड़ा जो है नहीं देता। तो इस तरीका से हम जो है मोहब्बत प्यार से जब उसको जो है वो ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह जो उसके वालदैन भी या मरीज के वाकिन भी हमसे तामन करेंगे
और हम भी इंशाल्लाह जो है उनके साथ तावन करने के लिए अपनी पूरी शब रोज लगा देंगे। तो बहुत शुक्रिया सरकार, और मेरा ये वाला जो है मेंटल लेवल स्टेज जो है खत्म हो गया जायजा। तो OCD के बारे में भी मेरे पास जो है वो प्रेजेंटेशन है, या हमियात के बारे में मेरे पास बहुत ज्यादा जो है वो प्रेजेंटेशन है। सर जैसे भी कहेंगे मैं उसको जो है वो जारी रखूंगा। कल हकम हमारे हकीम अजमल साहब का जो है वो तस्करा जो है मजीद जारी रहेगा, तो हकीम अजमल खान साहब का तस्करा जो है हम उसको मजीद कल जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर का, और मेरे भाइयों का और मेरे दोस्तों का, खासतौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का।